अभी हम बनाएंगे हैदराबादी वेज दम बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल, मुंबई रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए ये फ्राई पैन हमने गरम करके उसमें 2 चम्मच के आसपास तेल डाला। तेल हम पहले गरम कर लेंगे और हल्का सा जो तेल हमारा गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को पका लेंगे। और जीरा पकने के बाद इसमें डालेंगे 1 कटी हुई प्याज उसके अंदर, और प्याज के साथ साथ ही डालेंगे 3 छोटे आलू काट लिया था हमने वो इसके अंदर, और आलू प्याज को हल्का पका लेंगे। प्याज के साथ डालेंगे 300 ग्राम के आसपास फूलगोभी हमने काट लिया था वो फूलगोभी, वो भी डालने के बाद प्याज के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक फ्राई होने के लिए इसको ढक्कन से ढक देंगे फ्राई पैन को। और कुछ देर बाद फ्राई पैन से ढक्कन हटा के और चला लेंगे वो भी आलू प्याज को, और फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। तब वो भी फ्राई हो रहा है, गैस के दूसरे तरफ हमने चावल उबालना है। 300 ग्राम चावल हमने बासमती राइस को हमने भिगा के रख दिया था आधा घंटा के लिए। आधा घंटे बाद दूसरे तरफ हम इसको हाफ बॉइल करेंगे, पूरा नहीं पकाना है चावल को, आधा पकाना है। चावल चढ़ाने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, ये नमक इसके अंदर। चावल में नमक डालने के बाद फ्राई पैन से पका देंगे और अब डालेंगे हम इसमें ये 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स काट के हमने धो लिया था ये फ्रेंच बीन्स इसके अंदर, और 1 गाजर हमने छील के काट लिया था वो गाजर इसके अंदर, और 100 ग्राम के आसपास मटर इसके अंदर, मटर भी डाल लेंगे और ये अच्छी तरह से पक जाए। इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमको कम डालना है। नमक हमने उबले हुए चावल में डाल दिया है इसलिए नमक कम डालना है। और नमक डालने के बाद इसको सारे सब्जी को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। नमक डालने के बाद सब्जी को मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। और ये 5 मिनट बाद फ्राई पैन से ढक्कन हटा लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर, और 1.5 टीस्पून गरम मसाला, ये पिसी हुई गरम मसाला, आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे मसाले डालने के बाद मिक्स कर लेंगे
और इसमें डालेंगे ये 200 ग्राम पनीर कटी हुई, ये डाल लेंगे इसके अंदर। और पनीर डालने के बाद वो भी मिक्स कर लेंगे सब्जी को पनीर के साथ। और इसको कुछ देर के लिए ढक के पकने देंगे। और ये कुछ देर ढकने के बाद फ्राई पैन से ढक्कन हटा लेंगे और सब्जी एक बार गला लेंगे। सब्जी हमारा पक चुका है, अब इसमें डालेंगे 150-200 ग्राम के आसपास दही। ये दही इसके अंदर दही हमने डाल लिया इसके अंदर। अब दही को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। दही को मिक्स कर लेंगे दही मिक्स हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के दही का पानी सूखने देंगे। और ये 5 मिनट बाद फ्राई पैन से ढक्कन हटा लेंगे और गैस को स्लो करके एक बॉल में ये मिक्स वेज निकाल लेंगे। तो ऐसे पूरा मिक्स वेज एक बॉल में निकाल लेंगे। इतना मिक्स वेज पैन में ही रहने देंगे। और ये जो चावल था हमारा ये हाफ बॉयल हो चुका है, तो गैस को बंद कर लेंगे और इसको लेके यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें अब ये चावल डाल देंगे, हाफ पकी हुई चावल इसके अंदर। हाफ पकी हुई चावल इसके अंदर से चावल इसके अंदर डालनी है। और चावल डालने के बाद ये जो सब्जी था वो इसके अंदर ये सब्जी से इसके ऊपर ये सारा चावल डाल लेंगे फैला के। और चावल डालने के बाद इस पे डाल लेंगे ये पुदीना पत्ता, ये पुदीना पत्ता इसके अंदर। और इसके ऊपर ये धनिया पत्ता, ये धनिया पत्ता इसके ऊपर हर तरफ डाल लेंगे। और इस पे डालेंगे गोल्डन प्याज, हमने भून लिया था वो इसके ऊपर। और भुना हुआ प्याज डालने के बाद इसको आटे से हमने पैक कर दिया है। फ्राई पैन को कवर कर लेंगे इस तरह से, फ्राई पैन को कवर कर लेंगे जिससे इसको दम अच्छे से लग सके। छोटे से आटे का पीस से इस मुंह को भी कवर कर देंगे
और इसको 10 मिनट तक ढक के दम लगने देंगे। अभी हम 10 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और फिर इस कवर को 10 मिनट बाद निकालेंगे।